तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकंड, यानी एक ट्रक है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। टर्न्स वेस्ट, यानी वो टर्न किया वेस्ट दिशा में एंड ट्रैवल एट द सेम स्पीड, और वो सेम स्पीड में ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी हमको निकालनी है, तो डेल्टा वी हमें निकालना है। तो हम बोलते हैं इसको V1 और इसको बोलेंगे V2। तो V1 क्या आएगा बेटा? तो V1 आएगा 20 जी कैप, एंड V2 क्या आ रहा है? तो V2 आ रहा है -20 आई कैप, ठीक है, इस दिशा में जा रहा है इसलिए आई कैप, और ऊपर की दिशा में जा रहा है इसलिए जे कैप। अब हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, तो वो क्या आएगा? V2 -V1, यानी कितना था? -20 आई कैप -20 जे कैप। अब ये तो होगी चेंज इन वेलोसिटी, अब इसका हमें निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तो मैग्नीट्यूड आएगा डेल्टा वी वेक्टर मॉड, ये आएगा 400, एक मिनट गड़बड़ हो रही है, डेल्टा वी मॉड कितना आएगा? तो वो आएगा 400 प्लस 400 कितना आएगा? √800 आएगा। अगर √800 को लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? 20√2 लिख देंगे, ठीक है, तो ये आएगा 20√2। तो ये तो बेटा हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब हमको इसको डायरेक्शन निकालना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, इसके डायरेक्शन का फॉर्मूला है, y कितना है 20, x कितना है 20, तो tan थीटा कितना आएगा? 20/20, यानी कितना आता है 1, तो थीटा क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1 आ जाएगा। तो कौन सी tan इनवर्स 1 कितना होता है? तो वो होता है 45 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री में जाएगा। तो 45 डिग्री यानी कितना होता है? तो वो होता है साउथ वेस्ट, ठीक है, ये साउथ और वेस्ट इस दिशा में इसका रिजल्टेंट होगा, राइट। तो कौन क्या आंसर आएगा? तो आंसर आएगा 20√2 साउथ वेस्ट। तो डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन को क्लिक कर लो और आगे बढ़ जाओ।